The question is, find the value of n so that a raised to power n plus 1 plus b raised to power n plus 1 upon a n plus b n may be the geometric mean between a and b. हमें n की ऐसी वैल्यू फाइंड करनी है जिसके लिए ये जो टर्म गिवन है हमें वो a वो हमारे पास क्या हो, ज्योमेट्रिक मीन हो बिटवीन a एंड b, राइट? a एंड b के बिटवीन क्या हो, ज्योमेट्रिक मीन हो. अब हमें ये पता है कि जो ज्योमेट्रिक मीन है वो हमारे पास क्या होता है, a और b के बिटवीन अंडर रूट ए बी, राइट? लेकिन हमें गिवन ये है कि जो जी एम है हमारा वो गिवन है a n प्लस 1 b n प्लस 1 अपॉन a रेस टू पावर n प्लस b रेस टू पावर n. तो हम क्या करेंगे, अब यहाँ पर जी एम की वैल्यू हम ये पुट कर देते हैं. मीन्स अगर हमारा जी एम ई है तो दिस विल बी इक्वल टू अंडर रूट ए बी. हमें इस इक्वेशन को सॉल्व करके फाइंड करनी है n की वैल्यू. तो पहले हम करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई, ए एन प्लस बी एन इंटू अंडर द रूट ए बी, और राइट हैंड साइड पे हमारे पास ए एन प्लस 1 बी एन प्लस 1 ही रहने वाला. अंडर रूट का मतलब क्या है, पावर 1 बाय 2. जब आप इसे अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो ए रेस्ट टू पावर एन ऑलरेडी था, हाफ पावर और आ गई, और बी रेस्ट टू पावर 1 बाय 2 प्लस यहाँ करेंगे मल्टीप्लाई तो बी रेस्ट टू पावर एन प्लस 1 बाय 2 एंड ए रेस्ट टू पावर 1 बाय 2. ठीक है, दोनों की पावर हमने 1 बाय 2 लिखी. मल्टीप्लाई करोगे तो जहाँ बेस सेम है वहाँ पावर हाफ उसमें ऐड हो जाएगी. एंड राइट हैंड साइड पे एन प्लस 1 प्लस बी रेस्ट टू पावर एन प्लस 1. सभी टर्म्स को हम एक तरफ ले जाते हैं. सो ए एन प्लस 1 प्लस बी रेस्ट टू पावर एन प्लस 1 माइनस ए रेस्ट टू पावर एन प्लस 1 बाय 2 बी रेस्ट टू पावर 1 बाय 2 माइनस बी रेस्ट टू पावर एन प्लस 1 बाय 2 ए रेस्ट टू पावर 1 बाय 2, राइट? अब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से हम कॉमन ले सकते हैं. जैसे कि हमें ये टू टर्म्स दिख रही हैं इनमें से हम ए रेस्ट टू पावर एन प्लस 1 बाय 2 कॉमन ले सकते हैं और इन दोनों से भी कॉमन ले सकते हैं. तो लेते हैं इनमें से कॉमन हम ए रेस्ट टू पावर एन प्लस 1 बाय 2. हमने फर्स्ट एंड थर्ड टर्म से ये कॉमन ले लिया, राइट? तो यहाँ से हमारे पास क्या बचेगा, देखो एन प्लस 1 में से आपने एन प्लस 1 बाय 2 कॉमन लिया है. जब कॉमन लेने का मतलब ये होता है कि आप पावर को माइनस कर दोगे, ठीक है? तो एन प्लस 1 में से एन प्लस 1 बाय 2 माइनस करोगे तो आपके पास पावर बचेगी हाफ. और सेकेंड टर्म में क्या बचेगा, बी रेस्ट पावर 1 बाय 2, राइट? यहाँ से ये कम्प्लीटली बाहर गया और बी रेस्ट पावर 1 बाय 2 बच गया. अब रिमेनिंग टू टर्म में से भी हमारे पास बी रेस्ट पावर एन प्लस 1 बाय 2 कॉमन आएगा, बिल्कुल सिमिलर इसी वे में. तो यहाँ से बी रेस्ट पावर 1 बाय 2 बचेगा माइनस ए रेस्ट पावर 1 बाय 2. अब ये दोनों फैक्टर सेम हो सकते हैं अगर यहाँ से हम माइनस कॉमन ले लें, तो कॉमन ले लेते हैं माइनस. तो यहाँ से माइनस कॉमन लिया तो बाहर माइनस आ गया और अंदर फैक्टर हमारे पास बन जाएगा ए रेस्ट पावर 1 बाय 2 बी रेस्ट पावर 1 बाय 2. तो अब क्या कर लेंगे, इन दोनों में से हमारे पास ये कॉमन आ गया, ये फैक्टर हम कॉमन ले लेंगे. तो अंदर क्या बचा हमारे पास, यहाँ ए रेस्ट पावर एन प्लस 1 बाय 2 माइनस बी रेस्ट पावर एन प्लस 1 बाय 2. अब ये दो फैक्टर जो हैं वो इज इक्वल टू जीरो आ गए. या तो हमारे पास फर्स्ट फैक्टर इज इक्वल टू जीरो होगा या फिर सेकंड फैक्टर इज इक्वल टू जीरो होगा. फर्स्ट से हमारे पास ए और बी इक्वल आ रहे हैं, ये पॉसिबल नहीं है. क्यों पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अगर ए और बी इक्वल हो गए तो ए जो हमें दोनों के बिटवीन जी एम गिवन है वो पॉसिबल ही नहीं है. अंडर रूट ए भी आप कर ही नहीं पाओगे, ठीक है? तो ये इक्वल नहीं हो सकते. जो दूसरी हमारे पास जो फैक्टर बचा है हम वहीं से सॉल्व करेंगे. सो ए रेस्ट पावर एन प्लस 1 बाय 2 इज इक्वल टू बी रेस्ट पावर एन प्लस 1 बाय 2. अगर आप यहाँ पर एक्सपोनेंट्स का रूल अप्लाई करोगे तो देन यहाँ से भी हमारे पास ए और बी इक्वल आ जाएंगे. बट हमें कैसे करना है, यहाँ पर अब इस बी को हम ए के डिवाइड में ले आएंगे, राइट? बी रेस्ट पावर एन प्लस 1 बाय 2 डिवाइड में ले क्या हो गए, मतलब बोथ साइड डिवाइड किया तो राइट साइड पे बचेगा 1, ठीक है? और इस 1 को हम क्या लिख सकते हैं, अगर इसे हम ए बाई बी रेस्ट पावर 0 लिखें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि ये भी तो 1 ही होता है हमारे पास. लेकिन इसका फ़ायदा ये हुआ कि जो लेफ्ट हैंड साइड है उसमें भी तो हमारे पास पावर सेम होने की वजह से इसे हम ऐसे लिख सकते हैं ना, ए बाई बी रेस्ट पावर एन प्लस 1 बाई 2. एंड राइट हैंड साइड पे है हमारे पास ए बाई बी रेस्ट पावर 0, बेसिस सेम है तो पावर भी क्या होंगी हमारे पास, इक्वल होंगे. तो एन प्लस 1 बाई 2 इज इक्वल्स टू 0. तो यहाँ से हमारे पास n की वैल्यू आती है माइनस 1 बाई 2.
राइट। तो यहाँ से एन की वैल्यू जो है वो आ गई -1/2। इस वैल्यू के लिए ही ये हमारे पास ए एंड बी के बिटवीन जी एम बन सकता है। थैंक यू।